हाई स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वी आर बैक विद न्यूज दिस वीक. इज अमित अरोरा फ्रॉम इको विजनर. अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हु वॉच दिस एवरी वीक, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्लीज कमेंट वॉट आर योर व्यूज रिगार्डिंग दिस न्यूज विच वी डिस्कस, जिससे सबकी नॉलेज बढ़ सके और हम लोग जान सकें कि इट विल बी एन एड ऑन टू वट वी आर ऑलरेडी डूइंग. सो प्लीज राइट समथिंग इन द कमेंट सेक्शन जो किसी भी न्यूज से रिलेटेड हो, एंड डिस्कस सो दैट स्टूडेंट एंड टीचर्स लर्न फ्रॉम यू ऑल. वी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर. सो इट द रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन जस्ट पुश द लाइक बटन एंड देन दैट मोटिवेट्स अस टू कंटिन्यू डूइंग दिस. लेट अस स्टार्ट विद आर फर्स्ट न्यूज टुडे. द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू सबमिट बिड्स फॉर एयर इंडिया. एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर, गवर्नमेंट इज फॉर लॉन्ग ट्राइंग टू सेल एयर इंडिया नाउ टू द प्राइवेट, एंड दिस दे हैव एक्सटेंडेड द डेट फ्रॉम जून 30 टू अगस्त 31, एंड द क्वालिफाइड इंटरेस्टेड बिडर्स वुड बी इंटीमेटेड ऑन सेप्टेम्बर 14. एंड ऑल ऑफ यू नो कि सरकार बहुत टाइम से एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही है, और दिस टाइम दे हैव डिसाइडेड टू दे हैव प्लान टू सेल कंप्लीट आउटराइट सेल. ऑफ कोर्स हमारे सिलेबस में प्राइवेटाइजेशन एक टॉपिक है, डिसइन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द टॉपिक्स. स्टूडेंट्स यू कैन रिलेटेड टू दैट. सो डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश, गवर्नमेंट का रोल कम करके या खत्म करके एविएशन में गिविंग एवरीथिंग टू द प्राइवेट सेक्टर. लेट अस सी हु बिड फॉर इट. सेकेंड न्यूज वी हैव इज वी हैव फॉर्मर रिलायंस फॉरन एक्सचेंज हेड मिस्टर वेंकट त्यागराजन. ही सेज दैट इफ इट कंटिन्यूज लाइक दिस देन सर्टनली द रुपीज गोइंग टू फॉल मोर एंड इट विल बी वेरी क्लोज टू 80 रुपीज अ डॉलर. एट प्रेजेंट यू ऑल नो इट इज क्लोज टू 75.5 रुपीज, बट श्योरली इट इज सेइंग दैट एज इट इज फॉलिंग इट कैन रीच अप टू 80 रुपी पर डॉलर. सो यहाँ पे बच्चों आप यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी हैव डन चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज, इन विच वी हैव सीन दैट इन सच सिचुएशंस व्हेन द करेंसी गेट्स ओवर डेप्रिसिएटेड और ओवर एप्रिसिएटेड, द आरबीआई कैन कम इन टू द पिक्चर एंड इन दिस केस दे कैन सेल द फॉरेन एक्सचेंज इन द मार्केट. सो दैट दिस इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग, सो दैट द रुपी कम्स बैक. तो लेट अस सी, अभी तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया है कि ड्यू टू दिस सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस इट विल ड्रैग द रुपी डाउन, बट देन द आरबीआई विल कम इन टू द पिक्चर इफ इट हैपेंस. थर्ड न्यूज विच वी गॉट इज अगेन अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया. वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स रुपीज 500 मिलियन लोन टू इम्प्रूव एजुकेशन सेक्टर इन 6 इंडियन स्टेट्स. 500 मिलियन डॉलर ह्यूज अमाउंट. सो इसमें हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान, दिस लोन फॉर स्टार्स एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम. इट विल बेनिफिट सम ऑफ 250 मिलियन स्टूडेंट्स एजेज 6 to 17 ईयर्स in 1.5 million schools and over 10 million teachers. And in our syllabus it is linked to your balance of payment account. It is a loan, so it is a capital receipt and capital account ka item, so that way this can be used in your BOP examples. Yes, moving on to demand and supply. This is about latest PP prices crash. As you all know, initially PP kits were pretty expensive as there were no companies making it in the months of March and April, but as the supply increased and 600 companies are now making these kits, and the price dropped first from 1700 to rupees 600 and now it has gone down to rupees 168 a piece. So this is price determination. Children, if you remember in class 11, we do price determination where both demand and supply are increasing. But when supply increases more than demand,
the price falls. In the end, this news is also very important. Why? Because here some manufacturers are hoping that government is going to ओपन अप एक्सपोर्ट्स. गवर्नमेंट ने अभी एक्सपोर्ट्स बंद किए हुए हैं पीपी किट्स के, पर एज द सप्लाई हैज आउटस्ट्रिप डिमांड बाय मार्जिन, सो नाउ गवर्नमेंट कैन, कि मैन्युफैक्चरर्स का लॉस ना हो तो गवर्नमेंट कैन ओपन एक्सपोर्ट्स ऑफ पीपी किट्स एंड इंडिया कैन बिकम अ गुड डेस्टिनेशन जहाँ से लोग पीपी किट्स एट अ चीपर रेट खरीद सके एंड वी कैन हेल्प द अदर कंट्रीज ऑल्सो. सो नेक्स्ट इज चाइना. अर्ली ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोविड-19 वैक्सीन शोज इट्स अफेक्ट, इट इज शोइंग दैट्स अफेक्टिव. चाइना सीएनबीजी सेज दैट. चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप ऑन संडे सेट अर्ली ह्यूमन टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन कैंडिडेट सजेस्टेड दैट इट कुड बी सेफ एंड अफेक्टिव. एक तरफ ये बीमारी फैलाते हैं चाइनीज, दूसरी तरफ वो वैक्सीन बनाते हैं. दे मेक दीज वायरसेज एंड देन दे ट्राई टू मेक अ वैक्सीन टू किल दिस वायरसेस. दे आर ट्राइंग टू एक्ट वेरी स्मार्ट हेयर. वन वन हैंड दे आर गिविंग दिस वायरस टू द होल वर्ल्ड एंड ऑन द अदर हैंड दे वॉन्ट टू गिव द वैक्सीन ऑल्सो द होल वर्ल्ड. सो लेट अस सी हाउ दे डू इट. आई थिंक इट्स बेटर टू बॉयकॉट चाइना. द होल वर्ल्ड शुड बॉयकॉट चाइना. द वे दे ईट एनिमल्स लाइक एनीथिंग एंड द वे दे डोंट शेयर एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद द वर्ल्ड. सो दैट इज इवन इफ दे मेक अ वैक्सीन, देर आर मल्टीपल कंपनीज मेकिंग वैक्सीन. इंग्लैंड इज मेकिंग एंड इन मेनी इंडियन कंपनीज आर मेकिंग. वी शुड बॉयकॉट देयर वैक्सीन एंड गो फॉर द अदर वंस. देन ऑन द अदर हैंड मिस्टर नितिन गडकरी सेट द राइट थिंग ऑल्सो. आपने देखा होगा इंडिया में बहुत लोग अपने टीवी तोड़ रहे हैं, चाइनीज फोन फेंक रहे हैं. सो ही सेज द राइट थिंग कि स्टॉपिंग चाइनीज इम्पोर्ट्स एट डोमेस्टिक पोर्ट्स राइट नाउ विल लीड टू लॉसेज फॉर इंडियंस नॉट चाइनीज. क्योंकि ये ऑर्डर पहले से ही प्लेस हुआ हुआ था, इम्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही हुए हुए थे. सो अगर अब हम रोक देते हैं और पोर्ट पे रोक देते हैं सो दैट विल बी अ लॉस टू इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन इम्पोर्टर्स एक्चुअली. सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ, नॉट ऑलरेडी डन विच वर प्रायर टू द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट. तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा नुकसान ना हो, हमें नहीं करना चाहिए. सिमिलरली मिस्टर आसी भार्गवा सेड द राइट थिंग. ही ऑल्सो स्पोक अबाउट बॉयकॉटिंग चाइना एंड वॉट विल बी द इम्पैक्ट. ही सेड द राइट थिंग दैट इम्पॉर्टेंट क्या है इस समय, टू मेक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मोर कॉम्पिटिटिव एंड वाइड स्प्रेड टू रिड्यूस चाइनीज डिपेंडेंस और चाइनीज इम्पोर्ट. जब तक हम वो चीज़ खुद नहीं बना पाएंगे तो हम तब तक चाइना को बिल्कुल बॉयकॉट नहीं कर सकते. बिकॉज वी नीड दीज थिंग्स टू कंप्लीट आर प्रोडक्शन. सो ही सेड इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स ओवर टाइम इज एक्सपेंसिव एज द रुपी गेट्स वीकर एंड आइटम्स आर इम्पोर्टेड बिकॉज यू रियली हैव टू हैव लिटिल चॉइस इन दिस मैटर. तो अगर प्राइस ना बढ़े तो आपको वो चीज़ इंडिया में ही बनानी पड़ेगी. सो इफ यू वॉन्ट टू कर्ब चाइनीज इम्पोर्ट्स, मेक इन इंडिया, मेक योर मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिव. सम पॉलिटिकल न्यूज स्टूडेंट्स. इंडिया होल्ड नेवल एक्सरसाइज विद जापान अमिड टेंशन विद चाइना. यू नो चाइना इज प्लेइंग पॉलिटिकल गेम टू नाउ. सो जापान यूएस एंड इंडिया हैव कम टुगेदर. हेयर जापान एंड इंडिया हैव कम टुगेदर. ऑन सैटरडे दे हैड कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन जस्ट टू गिव अ वार्निंग टू, एज ही सेज द नेवीज वर नॉट देयर फॉर कॉम्बैट पर्पजेज बट जस्ट फॉर सिग्नलिंग द चाइनीज एंड इफ दे डू समथिंग बैड देर आर पीपल दे गोइंग टू रिप्लाई एंड दे गोइंग टू फाइट बैक. सो दैट्स गुड फॉर इंडिया दैट जापान इज विद इंडिया एंड ऑल्सो यूएस इज ऑल्सो प्लानिंग टू बी ऑन द इंडियन साइड. सो देर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म दैट चाइना इज ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्रबल इन टाइम्स ऑफ पैंडमिक. दे आर ट्राइंग टू गो फॉर एक्सपेंशन. तो ये एक बहुत बड़ा. नेक्स्ट इज राइज इन रेडियो एक्टिविटी लेवल्स इन यूरोप. दिस अगेन रशिया. ये कुछ रेडिएशंस पाई गई हैं. रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी वॉच डॉग्स हैव सीन दैट स्वीडन फिनलैंड और नॉर्वे में राइज इन रेडियो एक्टिविटी लेवल आया है. जो एक्चुअली इट इज नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन राइट नाउ बट दैट डच एजेंसी सेज दैट इट शोज दैट दीज रेडियो न्यूक्लाइड्स हैव कम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेस्टर्न रशिया. इफ यू आप अगर आप डिटेल में देखो चेर्नोबिल में जो हुआ था तो हमेशा शक रहता है रशिया पे कहीं वहाँ पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में लीक ना हो रहा हो. सो दे हैव टू बी अवेयर.
So this rise in radioactive levels in Europe is a big concern. So Russia has to look into the case matter. Good news for India. Amazon India is hiring 20,000 temporary workers in customer service. They are hiring the staff to enhance shopping experience of users in the country. And you all know during lockdown period, there's a lot of shopping going on online, and Amazon has gained a lot. These platforms have gained a lot. So these tech giants, they plan to create 1 million jobs in India by 2025 via investment in technology and infrastructure. But now instantly they are hiring 20,000 temporary staff. A good news for India. Everybody's concerned about fuel prices, which are already rising. So reality ye hai, the IOC chief says that it is not due to world oil prices, it is due to the duties by the state governments and the taxes by the central government, which is increasing the price day by day. So yahan example diya gaya that Delhi government had increased VAT on petrol from 27 to 30% and on diesel from 16 to 30%. So the price goes up. 1.65 petrol prices have gone up and 7.10 diesel prices due to taxes. On the other hand, the excise duty charged by the central government has also been risen from first by 3 rupees and then again on 5th May 10 and 13 rupees respectively. तो 70% ऑफ द फ्यूल प्राइस, अगर हम 80 रुपीज दे रहे हैं फ्यूल प्राइस, सो ऑलमोस्ट 56 रुपीज आर टैक्सेस, ओनली 24 रुपीज इज रिफाइनिंग एंड ऑयल प्राइसेस। तभी तो मैंने कहा था कि $40 पर बैरल इज द प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट, विच कम्स टू ₹20 पर लीटर। सो 10 रुपये ट्रांसपोर्टेशन एंड रिफाइनिंग मिला के भी इट शुड बी अराउंड ₹30 अ लीटर, बट स्टिल वी आर गेटिंग इट फॉर 80। सो ऑल दीज टू टैक्सेस, जो स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस हैं, वो पेट्रोल के प्राइस को बढ़ा रही हैं, ना कि ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यस, इफ यू वांट टू हैव मोर ऑफ फ्री थिंग्स फ्रॉम इको विजनर, प्लीज गो फास्ट एंड डाउनलोड आर इको विजनर ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर एंड आईफोन व्यू। देयर यू कैन गेट फ्री ऑनलाइन टेस्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक PST, इको, एंटरप्रेन्योरशिप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, क्लास 12th एंड क्लास 11th एंड SST ऑफ क्लास 10th। यू कैन ऑल्सो गेट सम ऑनलाइन फ्री वीडियोज ऑफ आर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। सो प्लीज डाउनलोड आर इको विजनर ऐप एंड इफ एनी सर्विस रिक्वायर्ड, एनी बुक, एनी असाइनमेंट, एनी स्टडी मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर एनी सब्जेक्ट, यू कैन जस्ट मैसेज ऑन 9891203546। अगेन आई एम रिमाइंडिंग एवरी वन, टीचर्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी आर एबल टू डिस्कस एंड वी गेट मोटिवेटेड दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।